अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों की पेशी आज सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोपहर 1 बजे होगी पेशी। यूपी के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जब से आत्महत्या का मामला सामने आया है तब से लेकर आज तक आत्महत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। प्रशासन हो, जनता हो, नेता हो या संत समाज हो, सभी को इस आत्महत्या में कोई न कोई साजिश जरूर नजर आ रही है। यूपी सरकार भी मुस्तैद होकर इस घटना की जांच एसआईटी टीम से करवाई और उसके तुरंत बाद सीबीआई की टीम भी इस घटना की जांच में जुटी है और हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। कई संदिग्धों की भी पूछताछ और जांच के लिए पकड़ा गया, फिर भी सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में नई उभरती पार्टी नव निर्माण पार्टी के अभावी प्रत्याशी मदन मोहन मिश्रा से जब बात की गई तो उन्होंने भी इस घटना को दुखद माना और बताया कि महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है, जिसे पुलिस प्रशासन सीबीआई सभी मिलकर देख रही है और जांच में लगी है। ये अखाड़े का मामला है और इसमें जो है सीबीआई जांच कर रही है। अब ऐसे हालात में जब सीबीआई प्रायः उस मामले के एंड तक पहुंचने वाली है तो हम अभी उस विषय में क्या कुछ कह सकते हैं। सीबीआई अब पहुंच चुकी है, मामले का जल्दी खुलासा हो जाएगा और सभी की निगाह उस पर लगी हुई है। इसके पहले कुछ भी कयास लगाना या कुछ कहना अब जल्दबाजी होगी। वैसे कुछ चीज़ें हमारी भी नॉलेज में हैं और ऐसा लगता है कि महंत जी के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र तो हुआ है, लेकिन सच्चाई तो सीबीआई बताएगी ही बताएगी। हत्या का खुलासा ये तो सीबीआई ही करेगी भाई साहब। यहाँ की पुलिस ने भी जांच किया है, पुलिस ने भी अपने सारे रिपोर्ट उनको दे दिए हैं। अब सीबीआई से बड़ी कोई चीज़ तो है नहीं और जो सीबीआई जांच करके देगी उसको सबको मानना पड़ेगा। मैं मदन मोहन मिश्रा, प्रत्याशी नव निर्माण पार्टी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।